बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। इस मामले से जुड़ी हुई हाथरस घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। फरार बाबा की तलाश जारी है। मैनपुरी में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। मैनपुरी में है बाबा का आश्रम, पुलिस की टीम आश्रम में मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोले बाबा नामक ये शख्स जिसका सत्संग चल रहा था जिसमें 116 लोगों की जान गई है। देवेंद्र और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये भोले बाबा नामक शख्स है जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो गया है, खुद फरार है इस समय यहाँ पर जो टीम पहुंची है मैनपुरी में छापेमारी कर रही है, उस पर जानकारी दीजिए। देवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? तो बड़ी बताते बाबा, हेलो जी, बताएं। कल शाम से ये बाबा लापता थे, उसके बाद में देर रात तक सूचना मिली कि ये मैनपुरी के आश्रम में है, ये रामकुटी आश्रम है जो इनका मैनपुरी में है। उसकी जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने फौरन उसकी घेराबंदी कर दी और साथ ही भारी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया। हालांकि मीडिया भी वहां पहुंच गई तो मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन जो है बाबा बताया जा रहा है कि बाबा अंदर ही है और अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत चल रही है और तलाशी भी दो बार की जा चुकी है। हालांकि बाबा अभी मिलने से इनकार कर रहा है, जो सूचना आ रही है इस तरीके की कि बाबा अंदर से मिलना नहीं चाहता। उसके अलावा जो उसके तमाम अनुयायी हैं वो वहां पर देर रात से डटे हुए हैं। साथ ही अभी जो जैसे ही सुबह हुई है तो मौके पर तमाम आसपास इलाके के जो उसके अनुयायी हैं वो वहां बढ़ गए हैं। साथ ही जो पुलिस फोर्स है वहां भी उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और ये माना जा रहा है कि बाबा अंदर है और जिसकी सूचना पुलिस के पास है और पुलिस उसी को लेकर छापामारी कर रही है। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार छापेमारी चल रही है और ये भोले बाबा नामक जो ये शख्स है ये इसी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। तो हाथरस केस हादसे को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है और कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत कई आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही सामने आई है। वहीं हादसे के बाद से आयोजकों को कोई नहीं इनका पता चल पा रहा है। सभी आयोजकों के फोन इस समय बंद आ रहे हैं। वहीं बाबा नारायण साकार हरि का भी फोन बंद जा रहा है, बाबा का भी कोई अता पता नहीं लग पा रहा है। FIR के मुताबिक 80,000 लोगों के जुटने की अनुमति मांगी गई थी लेकिन मौके पर करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटी, तो जितनी की परमिशन थी उससे ज्यादा लोग यहां पहुंचे और उन लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुट्ठी भर ही पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। तो यही एक बड़ा सवाल है। सुमित और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। सुमित, ये बहुत सारे सवाल लेकर ये जो घटनाक्रम हुआ है इस समय आगे बढ़ रहा है। एक तरफ बाबा नारायण साकार हरि लापता है, दूसरी तरफ FIR दर्ज की गई है। कई बड़े सवाल हैं कि जितने लोग इस कार्यक्रम में आने थे उससे 3 गुना लोग इस कार्यक्रम में आ गए और उन लोगों को संभालने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे। कई सवाल है। इस समय जो FIR दर्ज की गई है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नए कानून के तहत सेक्शन 105, 110, 126/2, 223, 238 ये सारे सेक्शन है जिनके तहत ये FIR दर्ज की गई है और 2 लोगों के खिलाफ अभी FIR दर्ज की गई है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर जो हाथरस के निवासी हैं और अन्य आयोजक व जितने भी इस पूरे मामले में आयोजक थे उनके खिलाफ पुलिस ने देर रात्रि FIR दर्ज की गई है और जल्द ही पुलिस इन जिन लोगों के खिलाफ FIR दी इनकी तलाश के उनको गिरफ्तारी के लिए इनके लिए टीम बनाई गई है और कई टीमें यहाँ हाथरस SP ने और ADG ने गठित की हैं जो इनकी गिरफ्तारी करेंगे। भैया बात करेंगे कि ये मेरे पीछे जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं ये हाथरस का जिला हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो घायल है जो उस पूरे घटना में जो घायल हुए थे उनको यहीं पर एडमिट किया गया है। आज लगभग 10-11 बजे करीब प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और जो घायल है उनसे हालचाल जानेंगे और जो पोस्टमार्टम लगभग 116 जो प्रशासनिक आंकड़ा है 116 लोगों की अभी तक जो मृत्यु हुई है उसमें अधिकतर 90% से अधिक जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं और पुरुष हैं। सभी पोस्टमार्टम किया गया है रात में और सभी के शव किया गया है रात में और सभी के शवों को उनके पहुँचाया गया है। जी ठीक है, वो FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दर्ज की गई है और नई आपराधिक श्रेणी में आने के तहत ये जो FIR दर्ज की गई है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। हाथरस हादसे का एक नया वीडियो भी सामने आया है, वो भी अब आपको दिखा देते हैं। बाबा के काफिले का वीडियो आया है सामने। इस वीडियो में आप देखेंगे इधर उधर भागते हुए लोग आपको नजर आएंगे। ये बाबा की गाड़ी निकल रही है और गाड़ी के पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं उनके चरणों की धूल लेने के लिए। ये देखिए ये गाड़ी, इसमें बाबा सवार है
और उनके पीछे लोग चल रहे हैं उनके चरणों की धूल लेने के लिए, और इसे अंधभक्ति ही आप कह सकते हैं कि घर पे बुरे नज़र का अगर साया है तो उनके चरणों की धूल से वो साया दूर हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना। गांव के भोले भाले लोग जिनको जो बताया जाएगा वो वैसी ही बातें मान लेंगे, तो जो कहा गया इस बाबा की तरफ से इन लोगों ने माना, और इन लोगों की ये जो भगदड़ मची है इसमें ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी इस समय जानकारी के साथ मौजूद है, रणजीत हमारे साथ अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस से मौजूदा, लाइव सीधे उनकी तरफ चलेंगे और जानकारी लेंगे। रणजीत देखिए, अब जब ये दुखद हादसा हुआ है तो इसके एक के बाद एक वीडियोस भी सामने आएंगे और खुलासे भी होंगे, लेकिन दुखद हादसा, सबसे ज़्यादा मौत जिन लोगों की हुई है उनमें बच्चे शुमार हैं, उनमें महिलाएँ शुमार हैं, मतलब इतने शव हैं जिनको एक साथ पोस्टमार्टम एक जगह पर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अभी हमने अलीगढ़ से भी अपने सहयोगी से जानकारी ली, जहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में अजेंद्र शर्मा ने हमें जानकारी दी, वहाँ पर कुछ शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। अलीगढ़ से नहीं, माफ कीजिए, एटा से उन्होंने जानकारी दी थी। आप बताइए अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस में इस समय क्या हलचल मची है, कितने यहाँ पर शव लाए गए हैं, क्या सबकी शिनाख्त कर ली गई है, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? देखिए मैं इस वक्त अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ और हाथरस घटनाक्रम कल दिल जलाने वाला है। यहाँ पर देखिए तमाम थानों का फोर्स बुला रखा है, जिससे कि जो कल जो मरे हैं उनके जो परिजन यहाँ पर आए उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर सुबह से ही देर रात से यहाँ पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो डेड बॉडीज आएंगी उनके लिए शव सुरक्षा यंत्र भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद किया गया है। यहाँ पर फोर्स भी अच्छी खासी मौजूद है, जिससे कि यहाँ पर कोई पैनिक स्थिति क्रिएट ना हो। अंदर लगातार निरंतर यहाँ पर पोस्टमार्टम है, यहाँ पर जो मृतक आ रहे हैं उनका किया जा रहा है। एडीएम सिटी और एसपी सिटी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो यहाँ पर बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी को भी यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए उसको लेकर यहाँ पर लगे हुए। देखिए यहाँ पर आरएसएस के भी कई लोग हैं जो रात से निरंतर यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना आए उनके लिए कर रहे के लिए मदद कर रहे हैं। मैं जान को भाई साहब क्या कहेंगे आप, कब से रात से मदद कर रहे हैं, क्या बताएंगे? हमारे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ और हाथरस के लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, ऐसी किसी ने सोचा भी नहीं था इतनी दर्दनाक। ये वाकई में दुखद हादसा जिसके ऊपर फिलहाल जानकारी ली जा रही है, FIR दर्ज कर ली गई है। भोले बाबा नामक जिसका ये सत्संग चल रहा था शख्स, वो इस समय फरार है, उसकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है और उसके सत्संग की टीम के तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम हिमो हाउस में लोगों के इस समय पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह का पैनिक क्रिएट ना हो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। हर एक अपडेट हमारे दर्शकों को, हमारे ये सहयोगी पहुँचा रहे हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया।